तो हाय हेलो वेलकम, कैसे हो आप सभी लोग। तो आई होप आप सभी अच्छे। तो जिसका था फैंस को बेसब्री से इंतजार, वो इंतजार हो चुका है खत्म। शाहरुख खान और बॉलीवुड की सबसे महंगी और बड़ी फिल्म पठान, जिसका फाइनली ट्रेलर आज वायर अपने रिलीज कर दिया है। कुछ समय पहले इसका टीजर आया था, वहां पर एक चीज कंफर्म हो गई थी कि इस मूवी में मारकाट बहुत ज्यादा होगी, और ऐसा ही हमें ट्रेलर में देखने को। टीजर देखने के बाद में एक चीज पता चली थी कि इस मूवी में एक सस्पेंस देखने को हमें मिलेगा, और ट्रेलर में वो सस्पेंस तुम्हारे सामने क्लियर हो चुका। बॉलीवुड के किंग खान और एसआरके के फैंस जो उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन ट्रेलर ने तो हमें कुछ और ही दिखाया। पहला फेस ऑफ होता है जॉन इब्राहिम के साथ, जहां से उनकी जो शुरुआत हो रही है ना पहले सीन से, आप फाड़ू देखो। आप जॉन इब्राहिम से इतनी उम्मीद नहीं करोगे कि उनसे ऐसी एक्शन की जा सकती। उनकी जो डायलॉग डिलीवरी वो भी गजब की, उनकी एक्शन हर चीज आप देख लो उसमें कहीं पर भी आपको डाउटफुल नहीं रहेगा। उसके बाद में हमारी एंट्री होती है किंग खान की, और किंग खान की एंट्री इस तरीके से होती है कि जो पार्टी है ना वो भी उनके घर ही रखी जाएगी। माय फेवरेट ये डायलॉग रखा गया है, काफी अच्छे इसमें डायलॉग है ट्रेलर में। लेकिन ट्रेलर में बात करें सबसे बड़े दूसरा और तीसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट एसआरके और तीसरा पॉइंट है दीपिका पादुकोण। ट्रेलर में फुल एक्शन मास भरा हुआ है, जहां पर जॉन इब्राहिम और एसआरके दोनों अपनी अपनी कंट्रीज के लिए लड़ते नजर आ रहे हैं। एसआरके जहां पर जय हिंद बोलते हैं वहां पर मैं फ्लेट हो गया। पहला सीन तो उनका वो जबरदस्त लगा, दूसरा उनका जो डायलॉग था ना वो भी काफी अच्छा लगा। अगर बात करें दोनों ही एक्शन हीरो की, तो दोनों ही एक्शन हीरो अपने देश को बचाने की बात कर रहे हैं। एक है जो अपने देश को बचा रहा है और एक अपने देश को डुबा रहा है। बेसिकली अब जाते हैं मूवी के प्लॉट की। तो मूवी का प्लॉट बेसिकली ये कि जो एसआरके के जो माता पिता वो बचपन में ही मौत हो जाती है, और उसी के लिए ये मिशन शुरू होता है। मिशन के बाद में वो क्या होता है कि बचपन से गायब हो जाते हैं, किसी दूसरी जगह रहने लग जाते हैं, और फिर क्या होता है कि दूसरे कंट्री से एक एक्शन हीरो पैदा होता है जो अपने देश को बर्बाद करना चाहता है। उसको रोकने के लिए एजेंसी ने काफी ट्राई किया, काफी उसके लिए एफर्ट भी डाले, लेकिन वो उसका कुछ नहीं कर पाए। लेकिन उनको इंतजार था पठान का, और पठान फाइनली आया। अपने देश को बचाने के लिए अकेला जाबाज सिपाही खड़ा हो गया। अब होगी दोनों के बीच में असली टक्कर, जीतेगा वो या जीतेगा ये। और इसी चीज के अंदर पठान भी अपना बल्ला पूरा कर पाएगा। ये वही विलन है जिसने पठान के माता पिता को मारा है, लेकिन इससे कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, इसने नहीं मारा। एसआरके जो कि इस पठान में रॉयल एजेंट का काम कर रहे हैं। दूसरी ओर हमारी बात करें जॉन इब्राहिम, तो जॉन इब्राहिम भी अपने देश के लिए, वो भी अपने देश के लिए रॉयल एजेंट का काम कर रहे हैं। दोनों ही देशों की बात करें तो सिंपल सी मूवी दिखाई गई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। हालांकि जो पाकिस्तान है उनका नाम नहीं लिया गया, लेकिन दो अलग अलग कंट्रीज है जहां पर फाइट सीन हमें देखने को मिलेगी। एक है एसआरके जो अपने देश को बचाने का काम कर रहे हैं, दूसरी साइड जॉन इब्राहिम है जो कि एसआरके के देश को बर्बाद करना चाहते हैं, यहां पर न्यूक्लियर अटैक करना चाहते हैं, लेकिन जो एसआरके जो एजेंसी वो उसे रोकना चाहती है। हालांकि जो फाइट सीन है ना मूवी में काफी गजब के हमें देखने को मिलेगा। ट्रेलर के अगर प्लस पॉइंट की बातें करें तो सारी प्लस पॉइंट की बातें, एक चीज है ट्रेलर की माइनस पॉइंट की अगर आप बात करो स्पेशली, तो वो दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को ट्रेलर में कंप्लीटली हाइड रखा गया। अब ये भी सस्पेंस हो सकता है मूवी में देखने के बाद में पता चलेगा, क्योंकि हमने इसका जो टीजर देखा था उसमें हमें जॉन इब्राहिम की ऐसी झलक देखने को नहीं मिली थी, लेकिन यहां पर ट्रेलर में उनकी, लेकिन ट्रेलर में उनसे ऐसी मास मसाला देकर हर कोई फ्लैट। मूवी में ओवरऑल आप बात करो तो कंप्लीटली एसआरके भी गजब के दिख रहे हैं, जॉन इब्राहिम जिनसे हमें उम्मीद भी नहीं की थी लेकिन उन्होंने काफी बेटर एफर्ट डाले। दूसरी ओर दीपिका पादुकोण जिन्हें हाइड किया गया है। अगर हम इसके माइनस पॉइंट की बात करें तो इसका जो वीएफएक्स है ना एक्शन सीन में थोड़ा सा डाउन दिख, जहां पर वो आसमान में एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं वहां पर जो वीएफएक्स है ना वो काफी लोली जा रहा है, जिसके बाद में आप कह सकते हो कि पठान जिसका बजट 250 करोड़ रुपए रखा गया ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन तैयार हो जाओ पठान की एक ऐसी स्टोरी देखने के लिए जो दोनों अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। अब जीतेगा, लेकिन जीतेगा कौन, वो विलन जो अपने देश को बर्बाद करना चाहता है, या फिर वो हीरो, या फिर वो सुपर हीरो जो अपने देश को बचाना।